हनी बेजर कैद क्यों नहीं होते? देखो, जब भी कोई इंसान इन्हें कैद करने की कोशिश करता है तो ये कैसे न कैसे जुगाड़ बैठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। देखिए, आप हनी बेजर की बहादुरी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही इनमें बहुत सी खूबियां भी हैं, जैसे कि किसी भी कैद से फरार होना। ऐसा ही कारनामा किया स्टॉफी नाम के हनी बेजर ने, जिसे साउथ अफ्रीका के जू में कैद किया गया है। लेकिन इसने आते ही अत्याचार शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे जानवरों को मार डालता था और शेर और अन्य जानवरों को परेशान भी करता था। यानी कि स्टॉफी कुछ ही दिनों में इस इलाके का गुंडा बन गया। इससे अन्य जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए इसे केज में बंद कर दिया गया, लेकिन स्टॉफी ने अपने फीमेल पार्टनर के साथ मिलकर इसे खोल लेता है। फिर स्टाफ ने मेटल वायर से कुंडी को कसकर बांध दिया, लेकिन फिर से ये दोनों भाग निकले। इसके बाद पैसे खर्च करके स्टॉफी के लिए एक स्पेशल केज बनाया गया, लेकिन ये आसपास पड़े पत्थरों को लगाकर फिर से भाग निकला। और जब सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया गया तो ये टायर, वाइपर और स्टिक की मदद से भाग निकला।